नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। बुधवार को अपने कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने जनता दरबार लगाया और लोगों की फरियाद सुनी। मौसम खराब होने के बावजूद भी जनता दरबार में फरियादियों का तांता लगा रहा, जहां लोगों ने डीएम के सामने हाथी कॉरिडोर मामले से लेकर सड़क नाला ट्रीटमेंट जमीन मुआवजा संबंधित कई और मामले रखे। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जो कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही कई फरियादी ऐसे भी पहुंचे जो काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर चक्कर काट रहे हैं। कई फरियादी तो मीडिया के कैमरे के सामने फफक फफक कर रो पड़े, पर डीएम के आश्वासन मिलने के बाद एक उम्मीद के साथ वापस लौट गए। उधर डीएम ने फरियादियों की कई समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया। जिंदगी कार्ड मालिचर में पूरी जिंदगी, राशन कार्ड मेरा, बोर्ड में नाम मेरा, पेंशन मेरा, गैस की किताब मेरा, मेरा मालिचर खत्म हुआ। 2.5 लाख रुपए लगाए, 22,000 रुपए मैंने चांदा मांग के लगाए, आज मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आप डीएम कार्यालय में आए हैं, यहाँ से डीएम के पास गए, 10 कागज जुमा हुआ इनके पास। 3 साल से आराम में डीएम ऑफिस में, कोई भी गवाही देगा इस बात को, ऑफिस कर्मचारी लोग गेट में बैठता है, पुलिस वाले ये भी बताएगा। अम्मा हर महीने में आता है, 2 चक्कर लगाता है, मेरा कोई नहीं सुनता यार। मैं इतना परेशान गुजार रहा हूँ बेटा, रो रो के भूखे पैसे मार। विषय ये जो हाथी कॉरिडोर का है, ये काफी लंबा है। इसमें कम से कम 20-25 साल से हम लोग ग्रामीण वासी लगातार रात दिन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हाथी का एक ब्लॉकेज यहाँ पे, जहाँ पे गोला है, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का लगभग जो पाथ छोड़ा भी गया है यहाँ पे, जो है उससे आगे जो है यहाँ पे ITP भी और हमारे जो तेल डिपो है, इसकी वजह से जो है हाथी यहाँ पे एक ब्लॉकेज है उसका, हाथी का, जिससे न वो इस गोला के पार जा पाता है और न ही गोला से आ पाता है, क्योंकि इसका जो स्वच्छंद जो उसका मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है, उस पर इसमें गतिरोध है, जिसको खुलवाने के लिए आज हम सब यहाँ प्रधानगण श्रीमान DM साहब के ऑफिस में आए थे। उनके माध्यम से हम लोगों ने मुख्य वन जीव प्रतिपालक को हमने एक ज्ञापन दिया हुआ है, जिसके निराकरण के लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग पहुँचे। तो देखिए 12 बजे तक लगभग 35 के करीब एप्लीकेशन आए थे, और मैक्सिमम लोगों के ज़मीन से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसमें काफ़ी हम लोगों ने उसको सॉल्व भी कर लिया है। और साथ ही साथ जो बाढ़ आ रही है, जिन जगहों पे दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पे हम लोग जो उन्होंने बताया उस पर टीमें भी हम लोगों ने भेज दी हैं, और टीमों के आने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो समाधान हो सकता है उसका हम लोग करेंगे।